यूपी के हाथरस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां हींग कारोबारी से फर्जी पुलिस अधिकारी बताकर शातिर ने 12 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस दौरान व्हाट्सएप कॉल के जरिए शातिर ने कारोबारी को उसके बेटे के अपराध में फंस जाने का झांसा दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर उससे ठगी गई रकम सहित 8 मोबाइल फोन, आईडी और एटीएम बरामद कर लिए हैं। वहीं इस मामले का शनिवार को एसपी ने खुलासा किया। वारदात का खुलासा करते हुए एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि संजय कुमार अग्रवाल के पास 6 जनवरी को एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई, जिस पर एक व्यक्ति की ओर से उनसे कहा गया कि आपके बेटे ने अपराध किया है, उसे बचाना चाहते हो तो रुपए देने होंगे। ये सुनकर व्यापारी ने घबराकर विभिन्न खातों में करीब 12 लाख रुपए डलवा दिए। बाद में उनको पता चला कि उनके बेटे की ओर से कोई भी अपराध नहीं किया गया है और वो साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद व्यापारी ने थाना कोतवाली नगर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया। मामले का पर्दाफाश करने के बाद प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर और साइबर सेल की टीम को निर्देश दिए गए और ऐसे में शुक्रवार की रात को पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी करने वाले शातिर को हतीसा पुल के पास से दबोच लिया। पूछताछ में पकड़े गए शातिर ने अपना नाम सलमान अली बताया। साथ ही शातिर के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 5 आधार कार्ड, 3 एटीएम कार्ड और 11,78,370 रुपए बरामद किए गए। वहीं शातिर ठग को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार एसपी निपुण अग्रवाल की ओर से दिया गया।